प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। अनुराग ठाकुर के आवास पर 4 घंटे चली बैठक, बेनतीजा। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी, कहा अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर रहेंगे। खेल मंत्री ने कहा आरोप गंभीर, जरूरी कदम उठाएंगे। धरने पर बैठे रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा हमारे साथ पूरे भारत के पहलवान, हमारे पास सबूत है, जरूरत पड़ी तो लेंगे पुलिस का सहारा। पीएम मोदी आज देंगे 71,000 नियुक्ति पत्र, केंद्र के कई विभागों में मिलेगी पक्की नौकरी। पीएम मोदी ने मुंबई में 38,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, मेट्रो की भी सवारी की। पीएम मोदी ने कर्नाटक को भी दी बड़ी सौगात, यादगीर कलबुर्गी में 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास और उद्घाटन। यूपी दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 के लिए गाजीपुर से अभियान की शुरुआत करेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत होगी। दिल्ली में आज से शुरू होगी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, देश की आंतरिक सुरक्षा पर होगी वार्ता। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत सभी राज्यों के मुख्य पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, दिल्ली में लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे के पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर को हटाया। भारत की पाकिस्तान को चुनौती, विदेश मंत्रालय ने कहा आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं, भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकी दी, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों की सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, संबोधन में कहा मुझे लगता है कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, बीजेपी आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। सीएम धामी ने जोशीमठ में चल रहे राहत कार्य की समीक्षा की, अधिकारियों को सभी योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर सियासत, समाजवादी छात्र सभा की मांग, छात्राओं को बुर्का पहनकर कॉलेज के अंदर जाने दिया जाए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। उत्तर भारत को अगले 5 दिन शीतलहर से मिलेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की है संभावना। गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले रोड शो से पहले योगी सरकार को बड़ी सफलता मिली, 25,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। आज 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री निवेशकों के साथ मीटिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा हिंदुजा ग्रुप, खोलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट, 6,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार, औद्योगिक मंत्री से मिलकर रखा प्रस्ताव। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में शाहिद, कहा कि अमीन रिपोर्ट मामले पर सुनवाई होगी, हिंदू सेना की याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी, अमीन सर्वे के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की बेनामी संपत्ति अटैच, सरिता विहार में इनकम टैक्स ने की कार्रवाई, नोटिस जारी कर मांगा गया था जवाब।